11 से 15 दिसंबर तक 13वें जयरंगम का आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया जाएगा, जहां थिएटर फेस्टिवल 3M डॉट बेस्ड थिएटर फैमिली सोसाइटी, कला और संस्कृति विभाग और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और जेकेके के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। जयरंगम में कुल 11 नाटक होंगे, इनमें से 8 नाटक पहली बार होंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय नाटक है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कलाकार प्रस्तुत करेंगे। स्पॉटलाइट सेगमेंट इस बार एक कला अभिनय पर प्रकाश डालेगा, जहां पर 5 दिवसीय फेस्टिवल में लगभग 500 कलाकार अपनी भूमिका निभाएंगे। दीपक गेरा ने जो स्टार्ट किया था जयरंगम, उसको आगे बहुत खूबसूरत तरीके से मन, जो दीपक की बिटिया, हम सभी की बिटिया है, बहुत यंग एज में इसने उसका स्टेज संभाल लिया है और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम से पूरे इंडिया में दे रही है। और बॉम्बे में बॉलीवुड से बहुत करीबी रिश्ता है इसका, और वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के संगे वर्क कर रही है। और जयपुर के लिए बहुत सौभाग्यशाली हम सभी की जयरंगम के रूप में मन यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें लेके आ रही हैं, जिसके कारण जयपुर अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। और मैं निश्चित रूप से बता सकूँगा आपको कि जयरंगम जयपुर में अपनी एक अमिट छाप छोड़ेगा। जो उनके डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ग्रेशियसली हमें परमिशन दे दी कि हम जयरंगम में स्क्रीन करें। दिस इज़ द ओनली डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे जगजीत सिंह बात करते हैं, चित्रा जी बात करते हैं, लव, लॉस एंड एवरीथिंग इन बिटवीन अलॉन्ग विद हिज म्यूजिक। तो 11 को उससे जयरंगम की शुरुआत हो रही है। प्लेज में हमारे पास इस बार आज रंग है बाय पूर्वा नरेशन गोपाल दत्त है, उससे हम थिएटर क्लोज कर रहे हैं इस साल का। ये एक वो प्ले है जो हम 13 साल से लाने का ट्राई कर रहे थे, एंड लकीली इस ईयर हो गया। साथ ही साथ इस बार जयरंगम में पहली बार एक इंटरनेशनल प्ले है, एक्सियम ऑफ चॉइस बाय मार्कस सट्राय, ऑक्सफोर्ड बेस्ड थिएटर मेकर हैं वो, एंड इंडिया में आई गेस फोर्थ शो है, एशिया में फोर्थ शो है। सो वी आर वेरी ऑनर्ड दैट दे लेट अस बी अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी। साथ ही साथ इस बार का स्पॉटलाइट जो एक थे जयरंगम का नया फॉर्मेट है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, हर साल एक अलग टॉपिक निकालते हैं। इस बार स्पॉटलाइट में 1200 एंट्रीज आई थी, एंड उनमें से हमने 4 सोलोस चुने हैं जो बात करते हैं उन चीज़ों की जो हम सब रोज एक्सपीरियंस करते हैं बट देख नहीं पाते। बिकॉज मुझे लगता है कि आप जब थिएटर देखने आते हो, कहीं ना कहीं आप अपना किरदार और अपना हिस्सा ढूंढते हो उसमें। तो इस बार का लाइनअप से हमारा वो ही रहा है कि हम